हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी फेवरेट, जिसके बारे में आपने पूछ पूछ के तबाही ला दी है पूरी पूरी। तो ये है आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोर्सेस इन कॉनेस्टोगा कॉलेज या टाइप्स ऑफ कोर्सेस, ठीक है, जिसमें मैं मल्टीपल मल्टीपल बंदों को पकड़ के उनसे कहूँगा कि अपने कोर्स के बारे में बता। तो सबसे पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। तो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स जो मैं कर रहा हूँ वो इजी है, डिफ़िकल्ट है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कैसा गया, सेकंड सेमेस्टर कैसा है, थर्ड सेमेस्टर कैसा होगा, फोर्थ सेमेस्टर कैसा होगा, और उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी? तो मैं आपको एक वेब डेवलपर की बेसिक पे रेट बता देता हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप वेब डेवलपर में अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपको बेसिक पे रेट क्या होगा, $30 पर आवर। बेसिक पे रेट $30 पर आवर वेब डेवलपर का, ठीक है? अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप इंडीड पे सर्च कर लेना, लिख लेना वेब डेवलपर, उसके जो रिक्वायरमेंट है $30 पर आवर। आपको सुन के बहुत खुशी हुई होगी ये सुन के कि हाँ, इसमें तो स्कोप है, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, प्रियांशु को भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। अगर मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ अच्छे से, और मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा तो अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। इंस्टेड ऑफ़ वर्किंग एट $14 पर आवर, यू आर वर्किंग एट $30, और धीरे धीरे इसकी इंक्रीमेंट भी होती है, और $30 से 50, 50 से 60, ओ माई गॉड, ये तो तबाही है पूरी। तो चलो, जो मेरा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, उसमें ना सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने करना है ना कनाडा आके, उनको मैं बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप इंडिया में बैठे बैठे कर लेना, आपके लिए बिल्कुल स्मूथ होगा और 100% मार्क्स आते रहेंगे आपके वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट कोर्स में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स मतलब जैसे कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, अपनी वेबसाइट बना के उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, और इसकी डेवलपमेंट सिक्योरिटी वगैरह, इससे रिलेटेड है ये कोर्स, ठीक है? तो वेबसाइट वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप घर से करके आओ HTML बेसिक, अच्छे से HTML करके आओ, ठीक है? HTML में क्या आपका एक लेआउट बन जाएगा, फिर CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट सीखो। CSS क्या है? डिज़ाइनिंग के लिए, कलर्स के लिए, थीम के लिए, क्योंकि एक ढांचा बनाने के लिए तो HTML यूज़ होगा, पर उसमें जो डिज़ाइनिंग आएगी वो CSS, ठीक है? फिर जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन ID, लॉगिन पासवर्ड, ईमेल सब्सक्रिप्शन बटन ऐड करना, सब्सक्राइब करना वगैरह, ये वेबसाइट में अगर ऐड करना है तो आपको उसके लिए JavaScript भी सीखनी पड़ेगी, JavaScript भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आना WordPress पे, WordPress सीखना, डायरेक्ट WordPress ना सीखना, बिकॉज़ ये मैं बताता हूँ ये क्यों आप सीख के आओ, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करके आ रहे हैं। इसलिए मैंने अपना बताया है कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स सिर्फ प्रियांशु बता सकता है, क्योंकि प्रियांशु इज़ डूइंग द सेम कोर्स। इसलिए जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स करने आएंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और आप प्रिपरेशन करके आना, ठीक है? HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, ये पांच चीज़ें सीख लेना। YouTube जिंदाबाद, YouTube हिंदी कोर्सेस बहुत सारे हैं यार, बहुत आसानी से सीखेंगे, शिद्दत से सीखना, अच्छे पैसे बनेंगे जब आप वर्क परमिट पे आओगे। अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, अच्छे से पढ़ूंगा तो क्या पता मेरी भी अच्छी जॉब लग जाए, पर मुझे बहुत खुशी हुई, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज़्यादा हैं रिलेटेड टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। बाकी का मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बाकी का मैंने रिसर्च नहीं की, मैंने अपने कोर्स की रिसर्च की, इसलिए मैं अपने कोर्स का बता रहा हूँ। इससे यही आपको फ़ायदा हो रहा है कि प्रियांशु जब आपको बता रहा है इतनी सारी चीज़ें, तो आपको भी खुशी होगी, हाँ यार कोई नॉलेज वाला बंदा तो मिला है। तो मैं नॉलेज तो दे रहा हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही ना तो लाइक कर देना, लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको मैं आंसर दे दूंगा इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन यूट्यूब माई चैनल। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ, ये था मेरा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स का जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? और चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मिलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।